नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ प्रियांशी गुप्ता। रामपुर में 6 वर्ष की मासूम से बलात्कार कर हत्या के आरोप में नाजिल को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आज सिविल लाइन थाना क्षेत्र से पिछले 1.5 माह में गुमशुदा चल रही 6 वर्षीय मासूम बच्ची की लाश मिली। बच्ची की लाश मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित की, जिसके चलते पुलिस ने आरोपी को ट्रेस कर पकड़ने की कोशिश की, जहां पुलिस और आरोपी नाजिल के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस ने नाजिल को दोनों पैरों पर गोली मारी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घायल आरोपी नाजिल को पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचाया है, जिसके बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घटना के संबंध में बताते हुए पुलिस अधीक्षक अजय पाल शर्मा ने बताया, थाना सिविल लाइन में 7 मई को एक नाबालिग बच्ची की किडनैपिंग के बारे में थाना में सूचना दी गई थी, जिस संबंध में थाने में मुकदमा पंजीकृत है। उसी में तफ्तीश करते हुए कुछ तथ्य सामने आए हैं, जिसके चलते आज बच्ची का शव बरामद किया गया। उसी में आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसके चलते आरोपी के दोनों पैरों में गोली मारनी पड़ी। आरोपी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो क्या मामला है आज? ये थाना क्षेत्र सिविल लाइन में जी 7 मई को एक घटना रिपोर्ट हुई, जिसमें एक नाबालिग बच्ची किडनैपिंग के बारे में सूचना थाने पर दी गई थी, जिसके संबंध में थाना सिविल लाइन पर मुकदमा पंजीकृत है। उसी में तफ्तीश करते हुए कुछ तथ्य संज्ञान में आए थे, जिसमें कि आज बच्ची का शव बरामद किया गया। उसी में जो आरोपी है, उसे गिरफ्तारी के दौरान पुलिस के साथ में फायर जो है एक्सचेंज हुआ है। उसी में आरोपी के पैरों में गोलियाँ लगी हैं। फिलहाल आरोपी को एडमिट करवाया गया है हॉस्पिटल में और आगे कार्रवाई की। सर, पुलिस की तरह आरोपी ने भी क्या पुलिस पर गोलियाँ चलाई? पुलिस और बदमाशों के बीच में फायरिंग हुई थी, उसी फायरिंग में बदमाश घायल हुए हैं। कितने बदमाश थे? एक बदमाश था, जिसके द्वारा ये घटना को अंजाम दी गई थी, जिसके अरेस्टिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई है। फिलहाल बदमाश को उपचार के लिए। और पुलिस की तरफ से कितने जवान थे जब मुठभेड़ हुई थी? वहाँ पे पुलिस की संख्या थी, थाने की और स्वाट टीम वहाँ पर मौजूद थी। कोई चोटिल के बीच में आपस में कुछ चोटें हैं वहाँ पे, उनको उपचार करवाया जा रहा है। फिलहाल आगे कार्रवाई। कप्तान सर, कितनी गोलियाँ लगी हैं? फिलहाल वो अभी मेडिकल उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, तो जैसे मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो आप। ये थी हमारे संवाददाता प्रियांश सक्सेना की रिपोर्ट। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।